गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ के कॉमर्स ग्रुप की पढ़ाई करेंगे और इसमें हम आज आपको व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार जो सेकेंड है पेपर उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसमें फर्स्ट लेसन है देसी व्यापार और उसके सौदे गतिविधियां, जो भी देसी व्यापार में उसके व्यापार में सौदे और गतिविधियां होती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यापार होता क्या चीज़ है। बिजनेस, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यापार मीन्स मतलब दो लोगों के बीच में किसी सामान या सेवा का हस्तांतरण, मतलब अदला बदली। मतलब जैसे अगर हम किसी से व्यापार करते हैं तो उसको कोई चीज़ हम किसी चीज़ के बदले देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं दुकान पे, तो आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आप क्या देते हैं, पहले दुकानदार को पैसे देते हैं, दुकानदार आपको क्या देता है, सामान देता है। उसी तरह जैसे हम किसी डॉक्टर चाहे वकील के पास जाते हैं तो हम उनकी सेवा के बदले यानी उनके जो सर्विसेज होते हैं उसके बदले हम उनको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, और वो हमको क्या देते हैं, सेवा देते हैं यानी अपने सर्विसेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के बीच होने वाले व्यापारिक सौदे की गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। इसमें दोनों लोगों का क्या होता है, फायदा जुड़ा होता है। ये तो हुआ व्यापार की बातें। अब हम देखते हैं कि देसी व्यापार क्या होता है। देसी यानी देसी व्यापार, देसी व्यापार से ही मतलब ये है कि डोमेस्टिक ट्रेड यानी हमारा आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार क्या होता है। तो देसी व्यापार के बारे में हम ये कहेंगे कि जब किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के क्रेता विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही जगह का हो, यानी कोई भी वस्तु अगर खरीदने वाला भी एक जगह का हो और बेचने वाला भी एक जगह का, एक जगह से मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर का हो, उसे क्या कहते हैं, हम देसी व्यापार कहते हैं। जैसे ये व्यापार अधिकतर देश के सीमाओं के अंदर या राज्य के सीमाओं के अंदर होता है। सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि जो देसी व्यापार होता है वो देश के सीमा के अंदर ही होता है, ठीक। और उसके बाद जैसे हमने देसी व्यापार में आप उदाहरण ये ले सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए रहने वाले यूपी के हैं और हम व्यापार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, यानी ये महाराष्ट्र और यूपी कहाँ है, इंडिया के अंदर ही है यानी भारत देश के अंदर ही है। भारत देश के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, देसी व्यापार कहते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्ट डिफिनीशन है जो हम आपको बताएंगे, एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाले आंतरिक गतिविधियों यानी आंतरिक व्यापार को ही क्या कहते हैं, देसी व्यापार कहते हैं। यानी एक देश की सीमा है उसके अंदर होने वाले व्यापारिक गतिविधियों को क्या कहते हैं, देसी व्यापार कहते हैं। अब देखिए देसी व्यापार के बारे में हम ये जान गए, लेकिन देसी व्यापार में क्या क्या बातें होनी मेन है, देसी व्यापार में क्या क्या बातें होनी मेन है जिससे हम जानेंगे कि ये क्या है, देसी व्यापार है। सबसे पहली बात ये है कि ये देसी व्यापार जो है देश की सीमा के अंदर होता है, यानी एक देश है, ये देश की सीमा है, इस देश की सीमा दो राज्यों या तीन राज्यों के बीच जो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, देसी व्यापार। पहला ये कंडीशन है कि एक देश की सीमा के अंदर ये व्यापार होता है। दूसरा कंडीशन ये है, इस प्रकार के व्यापार में हम जिस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो देशी मुद्रा यानी उस देश की मुद्रा ही होती है। मतलब अगर भारत में व्यापार होता है तो भारतीय रुपया के मद में ही देसी व्यापार किया जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हुआ कि एक सीमा के अंदर अर्थात देश के सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि वो जो व्यापार होंगे उसकी जो मुद्रा होगी उस देश की ही मुद्रा होगी। तीसरा कंडीशन ये है कि उस देश में
जो भी माल का आवागमन होगा वो स्वतंत्र तरीके से होगा। अर्थात अगर हम यूपी का माल महाराष्ट्र भेज रहे हैं तो हम स्वतंत्र तरीके से भेज सकते। स्वतंत्र तरीके से मतलब ये है कि हमको किसी प्रकार के सरकारी न्यायालय के विवादों का निपटारा नहीं करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेलिटी होती है, उसको पूरा करके हम यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। जैसे अगर हमको एक देश से दूसरे देश में माल भेजना हो तो उसके लिए हमको बहुत सारे नियम और कानून को फॉलो करके माल भेजना पड़ता है। लेकिन देसी व्यापार में ऐसा नहीं है, छोटे मोटे कुछ हमको नियम कानून को फॉलो करके ही हम इस क्या कहते हैं अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भी व्यापारिक विवादों का निपटारा होता है, व्यापारिक विवादों का निपटारा से मतलब क्या है, जो भी व्यापारिक विवाद होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको सामान भेजने में क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई विवाद हो गया, चाहे किसी प्रकार के सामान के लेन देन में कोई परेशानी हो गई, उसके विवादों का निपटारा मतलब जो भी उसके परेशानियों का निपटारा हम कहाँ होता है, उस देश के सीमा के अंदर ही होता है, यानी देश के न्यायालय में ही होता है, ठीक है। और चौथा पांचवा विकल्प सबसे मेन विकल्प है कि हम अपने देश के सीमा के साधनों का ही हम अपने देश के साधनों का ही प्रयोग अपने सीमा के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमको अगर महाराष्ट्र, चाहे दिल्ली, चाहे आसाम, चाहे कहीं भी अपने देश के सामान को, चाहे अपने जगह के सामान को भेजना हो तो हमको अपने अपने यहाँ के उपलब्ध साधनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम, ये तो हुआ देशी व्यापार के बारे में कैसे जाने, चाहे उसकी विशेषता के बारे में हम जान गए। अब आते हैं देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार के प्रकार, रुकिएगा मनीष सर इसको। हाँ बच्चों, अब हम देशी व्यापार के प्रकार मतलब देशी व्यापार कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मुख्य रूप से देशी व्यापार तीन तरह के होते हैं। पहला, व्यापार के संबंधों के आधार पर, मतलब व्यापार के संबंधों के आधार पर। दूसरा, व्यापार के मात्रा के आधार पर। तीसरा, व्यापार के क्षेत्र के आधार पर। एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, व्यापार के संबंधों के आधार पर, व्यापार के मात्रा के आधार पर और व्यापार के क्षेत्र के आधार पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्यापार के संबंधों के आधार पर। व्यापार के संबंधों के आधार पर व्यापार दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार। प्रत्यक्ष व्यापार मतलब डायरेक्ट ट्रेड और अप्रत्यक्ष व्यापार मतलब इनडायरेक्ट ट्रेड। अब हम ये जान, अभी आप सोचेंगे कि प्रत्यक्ष व्यापार क्या है और अप्रत्यक्ष व्यापार क्या है। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है, नाम से इसको हम पकड़ सकते हैं कि प्रत्यक्ष व्यापार क्या है और अप्रत्यक्ष व्यापार क्या है। देखिए प्रत्यक्ष व्यापार क्या है इसके बारे में हम देखें। देखिए मेनली ये देखा जाता है कि एक उत्पादक मतलब एक फैक्ट्री अगर अपने सामान को बनाती है तो वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये फैक्ट्री हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये कंज्यूमर हो गया मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब हम लोग ग्राहक, ठीक है। तो और ये देखिए कंपनी अगर कोई सामान बनाती है तो क्या करती है, डायरेक्ट, जैसे हमारे पास अगर ये कंपनी कोई माल बनाती हो, कोई सामान बनाती हो, अगर डायरेक्ट हमारे पास उपलब्ध हो जाए, डायरेक्ट हमारे पास का उपलब्ध होने का मतलब ये है कि हमारे घर तुरंत नहीं आ जाए, मतलब कंपनियों से सामान अगर निकल के डायरेक्ट ग्राहक के पास पहुँचे, ठीक है, कंपनी से सामान निकल के बीच के बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँचे तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष व्यापार। यानी बिचौलियों से मतलब थोक व्यापारियों के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हम आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार को, जैसे कंपनियों से अगर कोई माल सामान बनता है, कोई भी चीज़ें बनती हैं, तो हमारे पास आने में उसको कई सारे प्रोसेस का सामना करना, मतलब कई लोगों का सामना करना पड़ता है। सपोज दैट कि अगर पार्ले बिस्किट का उदाहरण हम ले लें, पार्ले बिस्किट अमूमन सभी लोग आप लोग जानते हैं, पार्ले बिस्किट का उदाहरण ले लें, तो पार्ले बिस्किट जिस कंपनी में बनता है तो कंपनी से तो डायरेक्ट आप जाके खरीदते नहीं हैं, कंपनी को जाके पैसा देके खरीदते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ की दुकानों पे जाते हैं और सामान पार्ले बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बात क्या है, प्रत्यक्ष व्यापार में पार्ले बिस्किट को अगर कंपनी से निकल के डायरेक्ट
कंज्यूमर के पास पहुंचे, यानी आपकी दुकान जो आप अपने नियर वाले दुकान यानी अपने आस पड़ोस वाले दुकान पे पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष व्यापार बोलते हैं। अप्रत्यक्ष व्यापार क्या होता है? अगर कंपनियों में बने सामान थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास मिले, जैसे एक चैन चलता है, जैसे ये फैक्ट्री हो गई और बीच में होलसेलर और ये कंज्यूमर, यानी कंपनी से सामान बना किसके पास आया, ये अधिक मात्रा में कंपनियों से सामान खरीदते हैं। होलसेलर जिसको हम लोग थोक व्यापारी बोलते हैं, थोक व्यापारियों के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप बाजार घूमने जाते हैं तो व्यापारियों के दुकानों पे लिखा रहता है फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी से मतलब उस व्यापारी से है जो बल्क में यानी अधिक मात्रा में सामान खरीद के अपने पास रख कर फुटकर व्यापारियों को बेचे, उसे हम कौन सा व्यापारी बोलते हैं? थोक व्यापारी। फुटकर व्यापारी जो थोक व्यापारी से सामान खरीद कर, थोक व्यापारी से सामान खरीद कर और ग्राहक को बेचे, उसे हम कौन व्यापारी बोलते हैं? फुटकर व्यापारी बोलते हैं। द अप्रत्यक्ष व्यापार में क्या हुआ? फैक्ट्री से सामान बना, होलसेलर के पास पहुंचा, उसके बाद किसके पास पहुंचा? फुटकर व्यापारी के पास पहुंचा और उसके बाद कंज्यूमर को मिला, यानी ये चैन ये फॉलो हुई। तो ये किस व्यापार में फॉलो हुई? इनडायरेक्ट ट्रेड यानी अप्रत्यक्ष व्यापार में ये चैन फॉलो हुई। तो आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार के बारे में। अब हम नेक्स्ट आएंगे व्यापार के मात्रा के आधार पे, ये संबंधों के आधार पे प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार था। अब हम आएंगे व्यापार के मात्रा के आधार पे। व्यापार के मात्रा के आधार पे व्यापार दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी जो हमने अभी पहले बात किया था, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार वो होता है यानी अर्थात थोक व्यापार से आशय हमारा उस व्यापार से है, इसमें व्यापारी क्या करता है, कंपनियों से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर रिटेलर यानी फुटकर व्यापारी को बेचता है। ठीक, थोक व्यापारी से मतलब ये। फुटकर व्यापारी क्या होता है यानी फुटकर व्यापार क्या होता है? फुटकर व्यापार क्या, फुटकर व्यापारी अपने थोक यानी होलसेलर से माल खरीद कर कंज्यूमर को बेचता है। समझ गए बात हमारी? थोक व्यापारी अधिक मात्रा में कंपनियों से माल खरीद कर फुटकर व्यापारी को बेचता है और फुटकर व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार या कंज्यूमर की आवश्यकता अनुसार थोक व्यापारी से सामान खरीद कर कंज्यूमर को बेचता है। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं व्यापार के। अब हम देखेंगे व्यापार के क्षेत्र के आधार पे देशी व्यापार का वर्गीकरण। सबसे पहले आता है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार क्या होता है? मतलब लोकल ट्रेड। यानी स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी स्थान पर, किसी विशेष स्थान तक ही सीमित हो जाता है। जैसे क्या होता है, इस प्रकार के व्यापारी में, इस प्रकार के व्यापार व्यवसाय में वो व्यापारी शामिल होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक ही जगह के होते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे दें, जैसे हमारा एक शहर है, कोई भी शहर का नाम ले लें, अगर उस शहर में जो व्यापारी मौजूद है यानी उस शहर के अंदर ही, चाहे हमारे मोहल्ले के अंदर, चाहे हमारे एक एरिया के अंदर जो व्यापारी, जैसे साग सब्जी वाले, छोटे मोटे फुटकर व्यापारी, ईंट भट्टों वाले, इस टाइप के व्यापार को क्या बोलते हैं? स्थानीय व्यापार बोलते हैं। यानी एक पर्टिकुलर स्थान में जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय व्यापार बोलते हैं। सेकेंड आते हैं हम राज्य व्यापार पे, यानी स्टेट ट्रेड। राज्य व्यापार यानी नाम से ही इसको हम डोनेट पकड़ सकते हैं नाम से ही, क्या होता है? स्टेट ट्रेड। मतलब हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक राज्य के अंदर, मतलब अगर आपके सामने मैंने ये यूपी का राज्य बना दिया, कौन सा बना दिया? यूपी का राज्य बना दिया। यूपी में कितने जिले हैं? नियर अबाउट 73 या 72, सॉरी आई एम कन्फ्यूज, बट 72-73 जिले हैं। अगर ये हमारा यूपी राज्य है, यूपी राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम रहते हैं लखनऊ में, हम कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। अगर
हम अपना व्यापारिक गतिविधि यानी हम अपने व्यवसाय बनारस से, झांसी से, कानपुर से के बीच करें यानी यूपी के अंदर ही करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यापार। राज्य व्यापार उसी को बोलते हैं यानी हम किसी पर्टिकुलर राज्य के भीतर जो व्यापार करें उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यापार होते हैं। तीसरा आते हैं अंतर राज्य व्यापार। ये तो था राज्य व्यापार यानी एक राज्य के अंदर होने वाले व्यापार को हम राज्य व्यापार बोलते हैं। तीसरा है अंतर राज्य व्यापार से हमारा तात्पर्य ये है कि यानी ये हमारा इंडिया है। नक्शा तो हमने गोल बनाया है लेकिन मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इंडिया के बीच में जितने राज्य हैं उनके बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर्राज्यीय व्यापार बोलते हैं। ध्यान से शब्द को पकड़िएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटर स्टेट ट्रेड। तो आप क्लियर हो गए। स्थानीय व्यापार मतलब जो हम एक कोई स्थान पे रहते हैं उसके बीच होने वाले व्यापारी गतिविधियां, जैसे हम साग सब्जी वाले हमारे छोटे मोटे जो रिटेलर होते हैं ईंट भट्टों वाले, वो क्या आते हैं? राज्य व्यापार में आते हैं, सॉरी स्थानीय व्यापार में आते हैं। राज्य व्यापार मतलब एक राज्य के सीमा के भीतर होने वाले व्यवसाय को राज्य व्यापार कहते हैं। तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होता है? यानी एक देश के सीमा के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं। बात हमारी ओवरऑल देशी व्यापार पे ही हो रही है, मतलब एक देश के भीतर होने वाले व्यापारिक गतिविधियों को क्या बोलते हैं हम लोग? देशी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देशी व्यापार के प्रकार को तीन तरीकों से जाना। व्यापार के संबंधों के आधार पर यानी प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार मतलब डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। दूसरा हमने जाना व्यापार के मात्रा के आधार पर, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी मतलब थोक व्यवसाय और फुटकर व्यवसाय, और व्यापार के क्षेत्र के आधार पर स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। ये तो था देशी व्यापार के प्रकार। और आज के क्लास में बस इतना ही। आप अपनी बुक से मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को ही पढ़िएगा और उसमें जो भी कुछ आपको समझ में ना आए या आपको कोई भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या इस चैनल में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन का समाधान उस कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा। मैं आपसे एक बार और अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको पढ़ने के लिए एक बार आप बुक को ध्यान से देख लीजिएगा और मेरे द्वारा बताए गए चैनल को देख के ही पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।